नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम आज देखने वाले हैं कि निफ्टी कहाँ है, निफ्टी कहाँ जा सकती है, क्योंकि हर तरफ एक डर का माहौल है। हर तरफ देखा जा रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत हाई पे है, डॉलर इंडेक्स बहुत हाई पे है। जैसे न्यूज़ मीडिया हमारे सामने आ रहा है वो हर तरह डरा रहा है। अभी हम ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई से बाहर नहीं आए थे, हम चाइना ताइवान की लड़ाई की बातें करने लगे हैं और ड्रोन हमले की बातें हो रही हैं, मिसाइल हमले की बातें हो रही। तो क्या इन सब चीज़ों का स्टॉक मार्केट में असर होगा, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा या नहीं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाजार डेली चार्ट पे कैसा दिखाई देगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बाजार में सबका देखने का अपना नजरिया है। ये मेरा नजरिया है एंड दिस एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। प्लीज अपना ट्रेड अपनी एनालिसिस करने के बाद ही नहीं। चलिए देखते हैं निफ्टी कैसे दिखाई दे। निफ्टी अभी ये डेली चार्ट के ऊपर में है। डेली चार्ट पे अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहां दिखाई दे रही है। एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड लाइन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बाजार कहां है। अगर देखें बाजार को बहुत ही ब्यूटीफुली, ये बाजार एक अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक बॉटम ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करता हुआ आया है मार्केट। बट कहानी क्या है उसको देखने वाली बात यह है कि जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश की, वहां से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। तो फॉल बहुत अच्छा रहा है। देखिए अगर देखेंगे यहां से 18,580 से जब बाजार गिरा था तो ये रिवर्सल आया था 16,570 के आसपास से। मोटा मोटा 2 से 2.5 से 3 हज़ार पॉइंट की एक करेक्शन थी। फिर उसके बाद सेकंड करेक्शन 18,307 से लेके ये बाउंस बैक होना शुरू हुआ था, फिर 16,000 के आसपास, यहाँ भी 2,000 के आसपास की करेक्शन थी। थर्ड जब रिजेक्ट हुआ था ये हुआ था 17,990, फिर 18,000 की रेंज के आसपास में रिजेक्शन देखने को मिला था और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक हुआ था। बट अगर हम इसको मान के चले तो 15,000, फिर से 3,000 पॉइंट की करेक्शन यहाँ पे हुई थी। तो क्या इस बार फिर एक करेक्शन होगी? और ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए प्लीज, जब भी करेक्शन होती है उससे पहले जो सीरीज ऑफ कैंडल्स रहती है वो ग्रीन ही रहती है, हमेशा से एक अप ट्रेंड की कैंडल्स ही दिखाई देती हैं, अचानक से सेलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी अगर आप सीरीज को देखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रीन कैंडल, लोग जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, जो ऑप्शन चेन पे काम करते हैं, उनको तो पता है ये रिजेक्शंस क्यों आई हैं, किस लिए कैंडल्स बनी हैं। बट जो लोग प्योर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनको कभी समझ भी नहीं आएगा कि ये ग्रीन कैंडल के बाद में कब रेड कैंडल शुरू हो जाएगी। खाली एक एंटीसिपेशन पे लोग काम कर सकते हैं। फिर से देखिए, फिर एक सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स थी, फिर एक बाजार से रिजेक्शन आया था। अब यहां पे क्या, यहां पे फिर से बाजार एक ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में जा रहा है। तो क्या बाजार इस बार फिर से ऐसा रिपीट करेगा? देखिए गाइस, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है कि जो इतिहास में हुआ है वो अभी भी हो। आपको यह समझने की जरूरत है कि 2020 से लेकर 2022 का जो 2 साल का पीरियड रहा है, यहां हमने कितनी नेगेटिविटी देखी है। सोचने की कोशिश कीजिए, गिनने की कोशिश कीजिए, सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड ने जो फेस की, दैट वॉज दी पेंडेमिक। सबसे बड़ा कोविड पेंडेमिक ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। वॉर में आपको मालूम है कि लड़ाई होती है, नुकसान होता है उन कंट्रीज के बीच में जहां लड़ाई हो रही होती है। बट कोविड एक ऐसी लड़ाई थी जो पूरे वर्ल्ड ने लड़ी, किससे? पेंडेमिक में। और यहां पे पूरा सब कुछ बंद था, सारे बिजनेस बंद थे और सब कुछ बंद था, सब कुछ शांत था। उसके आफ्टर इफेक्ट हम अब देख रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन कोविड की देन है, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस को देखने की कोशिश करेंगे, मैंने अपने ट्रेडिंग रूम में आपको हमेशा बताने की कोशिश की है कि हम अक्सर चर्चा करते हैं, जैसे फ्लाइट्स में हमेशा से बुक करता हूं अपनी क्लासेस के लिए, मास्टर क्लासेस मेरी रहती हैं, अक्रॉस द कंट्री रहती हैं, अलग अलग सिटीज में रहती है। अभी हाल फिलहाल हम उड़ीसा क्लास करके आए हैं, अभी हम 13 अगस्त को पुणे में क्लास करने वाले हैं, फिर हम बेंगलोर जाएंगे 27 अगस्त को, 27 अगस्त को बेंगलोर जाने वाले हैं, फिर 3 सितंबर को हम जाने वाले हैं सूरत में, राइट। तो यहाँ जब मैं फ्लाइट्स बुक करता था, एक टाइम था जो मेरी फ्लाइट्स की टिकट एक साइड की, अगर मैं बहुत पहले टिकट्स को बुक करता था तो टिकट आती थी 2 से 3 हज़ार रुपये एक साइड की, अब वो टिकट आती है 6,000-8,000 रुपए। तो हर चीज डबल हुई है और उससे कम कोई भी टिकट नहीं मिल रही। इनफैक्ट मुंबई की के टिकट्स मैंने 2019 में 20 में 2,000-2,000 रुपए की टिकट बुक की है मैंने फ्लाइट की, और अब कोई भी टिकट 6,000-8,000 से कम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेशन है। तो क्या हमें इस इन्फ्लेशन की आदत नहीं होगी? आज से 20 साल पहले चले जाइए, तब भी एक इन्फ्लेशन थी, तब भी हम रोते थे कि इन्फ्लेशन है। अब 20 साल बाद भी एक इन्फ्लेशन है, अगले आने वाले 20 साल के बाद भी इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन होनी ही होनी है। इन्फ्लेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम सोचें कि मार्केट 2,000 आ जाएगी। नहीं, कोविड हम लोगों ने देख लिया, इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है, क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस हमने देख लिए, रशिया यूक्रेन हमने देख लिया, अब हम चाइना ताइवान की देखने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली पिछले 2 साल के अंदर में इस वर्ल्ड ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देख ली है। बॉन्ड यील्ड हमने हाइएस्ट देख ली, हमने फेड के रेट हाइक्स 1-1% के रेट हाइक्स हम देख लिए, 0.75 बेसिस पॉइंट के हाइक देख लिए, आरबीआई के रेट हाइक्स देख लिए,
अब और क्या देखना बाकी है, तो क्या वर्ल्ड वॉर होना बाकी है? दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इसको थोड़ा सा कम सुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है। नॉइज क्यों ज्यादा है कि जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनका गेम क्या है, जब बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब वो चाहते हैं कि आप माल बेचें, आप बाजार से जब माल बेच रहे होते हैं, माल खरीद रहे होते हैं, जब ये माल बेच रहे होते हैं, ये चाहते हैं आप खरीदें, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमेशा से इनवर्स काम करती है। तो यहां जब लोगों को डरा दिया जाएगा कि भाई आप फिर से निकल जाइए, तो शायद बाजार फिर से चला जाएगा। अब ट्रेंड को देखने का एक और तरीका है, ट्रेंड लाइन आप यूज कर रहे हैं, एक तरीका है हेकेनेशी कैंडल से। जैसे आप हेकेनेशी कैंडल से इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दिस टाइम इट इज अ सीरियस ट्रेंड है, बहुत बढ़िया ट्रेंड है। तो क्या ये थकेगा? नहीं, यस थक सकता है। तो क्या ये गारंटी है कि यहाँ पे फिर रिजेक्शन होगी? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज में जीना सीखिए, भविष्यवाणी करना बंद कीजिए कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या आने वाला है। डॉलर इंडेक्स आज 106 के आसपास में है, कल 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, आने वाले 20 साल में उसके ऊपर भी जाएगा। तो क्या डॉलर हम लोगों ने 40 रुपीज़ नहीं देखा, 30 रुपीज़ नहीं देखा, और डॉलर 80 रुपीज़ पर हम लोग नहीं बैठे हुए? जब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी, जब हम बात करते रहे 40 रुपीज़ के आसपास डॉलर आ जाएगा, आज उस प्रेजेंट गवर्नमेंट को 3 टर्म्स हो चुके हैं, डॉलर 80 रुपीज़ के आसपास है। मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको आदत हो गई है और आदत होती चली जाएगी। एक टाइम था जब हम कमोडिटीज़ घर में लेके आते थे, हमारा राशन 5,000 रुपये का था महीने का, आज राशन 20,000 का है तब भी हम खुश हैं, कल 25,000 होगा तब भी खुश होंगे, हमें ये आदत बन जाएगी। इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन्फ्लेशन को सोच के ये मत सोचिए कि बाजार क्रैश होने वाला है। हाँ, बाजार के क्रैश होने की वजह बहुत सारी हो सकती है, बाजार क्रैश नहीं होगा, क्रैश हुआ कोविड की वजह से। अब करेक्शन हो सकती हैं, फिर करेक्शन आर ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट। चलिए थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश करते हैं, क्या हमें बाजार पहले, अगर हम एक और ट्रेंड की बात करने की कोशिश करें, इस ट्रेंड की बात करते हैं, तो क्या ये ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ था? क्या इस ट्रेंड पे आपको करेक्शंस नहीं देखने को मिल रही थी? यहाँ पे भी बाजार जब 15,400 के आसपास ना, 15,400 से बाजार 14,500 है, 1,000 पॉइंट की करेक्शन यहाँ हुई। दोबारा 15,226 से 14,240, फिर से 1,000 पॉइंट के आसपास की करेक्शन हुई। मतलब पहले 1,000 पॉइंट की करेक्शन हुआ करती थी, बाजार ने ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन कहाँ पे आया था आपके सामने? ये देखिए, ये कंसोलिडेशन था, ये करेक्शन था, मतलब 16,000 से लेकर 15,600 400 पॉइंट का एक रेंज थी। वो रेंज जब ब्रेक हुई तो 15,000 से बाजार 17,000 पार करता हुआ 18,000 के आसपास चला गया, हाई बनाया बाजार ने 18,600 का। अब दुनिया बातें कर रही है, भैया निकल जाइए, फिर से 3,000 पॉइंट की करेक्शन होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 3,000 पॉइंट की करेक्शन क्यों होगी? क्या इस बार ब्रेकआउट नहीं हो सकता? क्या ये निफ्टी का आखिरी हो गया है? दोस्तों आपने देखा होगा कि हर डिप के ऊपर में बाइंग देखी जा रही है, एफआईज बेच रहे हैं। एफआईज कब से बेच रहे हैं? पिछले एक साल से एफआईज बेच रहे हैं, एक साल से बाजार को बेच रहे हैं। वो कितनी लंबी चौड़ी सेलिंग वो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी बाजार 16,000-17,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। किस चीज को समझ रहे हैं आप समझिए कि आपको इन न्यूज में नहीं आना है, आपको समझना है कि इंट्राडे में करेक्शन कहां स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आपकी इंट्राडे की वो करेक्शन लॉन्ग टर्म चले, तो आपको परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट करनी आनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक ट्रेडिंग रूम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया 2 महीने पहले। मैंने क्यों स्टार्ट किया? लोगों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, लोगों को लगता है कि पूरे ट्रेडिंग की जो उनकी लाइफ साइकिल है वो बहुत टफ रहती है, बहुत डिप्रेशन भरी रहती है, कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या करें, कब निकल जाए, निकल नहीं पाते, ना प्रॉफिट में निकल पाते हैं, ना लॉस में निकल पाते हैं। आप लोगों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, हाँ ये पेड है, पेड क्यों है? क्योंकि पूरे दिन की टाइम की वैल्यू है, पूरे दिन में आपको टाइम देता हूँ, पूरे दिन लाइव रहते हैं जूम मीटिंग के ऊपर में, पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। हम स्टॉक्स भी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, आपके स्टॉक्स की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और लाइव रहता है, बहुत सारी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, पुट ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, राइटिंग भी करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर पाते हैं? विद दी हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की मास्टर क्लासेस मेरी सिटीज में होती है, वहां मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं। आजकल फॉर्मेट मैंने चेंज किया है, एक दिन की क्लास होती है सैटरडे को, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन की लाइव ट्रेडिंग रहती है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस गाइस। और जो फीस है, फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, देयर आर 3 प्लान्स ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करने के, 3 प्लान है, डेली प्लान है जो टेस्ट करना चाहते हैं 1,000 रुपीज़, वीकली प्लान है 2,400 रुपीज़, और मंथली प्लान है 6,666,666, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, मतलब रोज के 200 रुपये भी नहीं पड़ते। 200 रुपये में आपको लाइव एक्सपर्ट कमेंट्री पूरे दिन मिल रही है आपको, उसमें एडवाइसेज भी मिल रही हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। चलिए वो आप बात की बात है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नीचे नंबर आपको दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर आपको आ रहे होंगे। अब बाजार में क्या करना चाहिए, आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए? डेली चार्ट तो अपट्रेंड में है, वीकली चार्ट भी हमारा अपट्रेंड में है, देखिए सुपर अपट्रेंड में है, और इस बार की जो अपट्रेंड है वो बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, बहुत ही सीरियस। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बाजार और ऊपर जा सकता है, तो ये कहां जा सकता है इसको एंटिसिपेट करने के लिए, चलिए अगर हम फिबोनाची को यूज करने की कोशिश करें, तो फिबोनाची क्या कहता है हमें, यहां से ट्रेंड शुरू हुआ था, यहां तक अभी जा चुका है,
अगर हम बाजार को वापस देखने की कोशिश करें तो बाजार का ये रिट्रेसमेंट कहां तक जा सकता है, देखिए बहुत ही जबरदस्त लेवल्स आपके सामने आएंगे। अक्सर देखा जाता है फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है 0.618, जब वो क्रॉस होती है तो पूरी पॉसिबिलिटीज है बाजार 1.618 के लिए चला जाता है, ये देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो यहां पे अगर इस बार बाजार ने ये लेवल क्रॉस किया है 16,500 का लेवल जो क्रॉस किया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी अगर ये ट्रेंड लाइन इस बार ब्रेक होती है तो बाजार 18,770 तक जा सकता है, 18,770 तक ये रैली जा सकती है। गाइस आपने देखा हुआ जितने भी शॉर्ट हैं, शॉर्ट बुरी तरह से ट्रैप है, जितने भी बेयर्स हैं लोगों ने 15,000 पे माल बेचा, 16 पे बेचा, 17 पे बेच रहे हैं, लोग बेचे जा रहे हैं, बाजार चले जा रहा है, ये शॉर्ट ट्रैप हो रहा है, हर लेवल पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो लोगों को लगता है कि नहीं यार अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, लगने से बाजार थोड़ी ना चलता है। आपको बाजार को स्टडी करने के लिए ऑप्शन चेन डेटा को समझना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे ऑप्शन चेन कैसे स्टडी की जाए, ऑप्शन चेन की बहुत सारी फ्री वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स से बनाई हुई है, देखिए समझिए, अगर आपको वहां से सीख सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं सीख सकते क्लास में आइए, आपको मैं एक दिन के अंदर मास्टर क्लास बना सकता हूं, एक दिन के अंदर आपको सारी चीजें दे सकता हूं जो मुझे आती है, एक दिन की हैंड होल्डिंग, 3 दिन की वर्कशॉप, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे बाजार में कैसे काम किया जाए, चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट पे मैं 1 मिनट को क्यों प्रेफर करता हूँ, 1 मिनट एक ऐसा टारगेट टाइम है जहां पे आपको ये लगता है कि अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट आपको मिलती है। गाइस ट्रेडिंग रूम की हाईलाइट्स को देखिए आप, उसकी वीडियोज भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां लोग डेली पैसा बना रहे हैं, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखिए डेली में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 1 मिनट चार्ट के ऊपर में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब बाजार में क्या डायरेक्शन चेंज हुई है, जी हाँ बाजार में डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो ये अगर बाजार इस ट्रेंड लाइन को यहां से ऊपर चलता है, 17,500 से ऊपर चलता है, तो बाजार ओवर पर जाएगा। चलिए टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स निकालने के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको हमारे ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करना होगा या हमारी कोई क्लास ज्वाइन करनी होगी, तो आपको 1 साल के लिए फ्री मिलता है। आप जितने दिन के लिए ट्रेडिंग रूम में रहते हैं उतने दिन के लिए आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर भी फ्री मिलता है। आपने एक दिन ज्वाइन किया तो एक दिन का यूज कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए 1 हफ्ता और 1 महीने वाले के लिए 1 हफ्ते। अब यहाँ पे खेल क्या है, देखिए 17,690 के ऊपर बाजार चलेगा तो फिर बाजार कम से कम 18,000 के लिए जरूर चलेगा। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 17,556। निफ्टी चल कहां रही है, निफ्टी की क्लोजिंग हमारी है 17,524 के आसपास में, तो जब तक निफ्टी 17,556 के ऊपर नहीं चलती हम बाइंग में नहीं बैठने वाले हैं। आपको एक चीज दिखाता हूं गाइस, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, बाजार ने एक लो लगाया था 17,161 के आसपास का। दोस्तों हैकन एशी को मैं नॉर्मल कैंडल्स में बदल देता हूं ताकि लोगों को परेशानी ना हो कि भाई नॉर्मल कैंडल्स और हैकन एशी में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क किसी चीज का नहीं होता है। अब अभी बाजार ने 17,160 का लो बनाया था गाइस, वो लो क्या था देखिए, वो लो देखने की कोशिश कीजिए, ये एग्जैक्ट मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ कुछ दिन पहले दिस वाज अ वी रिकवरी, राइट, वी शेप रिकवरी। ये देखिए दिस लो वाज, मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट था, 17,160 का लो बना के बाजार चला। लाइव ट्रेडिंग रूम में बैठे हुए थे हम लोगों ने, पैसा डबल किया, ट्रिपल किया, बहुत पैसे बनाए, उसकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, ठीक है। ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें मालूम था यहां बाजार टिकेगा नहीं, हमें मालूम था, हमने 240 से बोलना शुरू कर दिया था कि बाजार में जितना माल लेना ले लो, 200 के नीचे मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस है, जितना एक्स्ट्रा लेंगे उतना अच्छा है। बस सीधा उसको पार करता, 160 का लो लगाया, उसके ऊपर बाजार चल पड़ा। 160 का लो हमारे पास कहां से आया, 17,300 को बाजार पार नहीं कर रहा था, तो हमारे पास में लेवल क्या था, 17,424 से बाजार ने गिरना शुरू किया था। देखिए इससे पहले जो बाजार का हाई था, ये देखिए मैं देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये जो बाजार का हाई था 17,490 के आसपास गया था, वहां से बाजार ने गिरना स्टार्ट किया, और जैसे ही 17,424 के लेवल को इसने तोड़ा, यहाँ से ये लेवल था हमारा 17,424 के आसपास का, ये लेवल था हमारा, जैसे ही इसने इसको तोड़ा, दो टारगेट हमारे पास क्लियर थे, कौन कौन से, 17,292 और 17,161, सेम डे बने थे, दिस वॉज अ बिग डे, दिस वॉज अ बिग डेट, सेम डेट बना, वहां से रिकवरी हुई। अब रिकवरी वापस कैसे हुई, फिर से दो टारगेट्स 300, 424 पार हो चुका है, अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 556 के ऊपर चलेगा तो आई कैन गारंटी यू 17,690 भी हम देखने में बैठेंगे। बाजार में ट्रेड करना कैसे है, डेली चार्ट खोलिए, डेली बाजार में आइए, डेली एनालिसिस कीजिए, हो सकता है आपका एक परफेक्ट डे हो, आपको अपना टॉप मिले, हो सकता है उस दिन आपको आपका बॉटम मिले, बट अगर हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे तो हम फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि वो चार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं होते। ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट बहुत होते हैं, स्विंग करने के लिए 1 घंटा बहुत होता है। पहले अपने टाइम फ्रेम्स को करेक्ट कीजिए, देखिए आप क्या है, ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, अब स्विंग ट्रेडर हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं कैसे स्विंग करेंगे, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप 15 मिनट आधे घंटे भी अटके हुए हैं, आप 1 मिनट के चार्ट को देखते नहीं है, कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको अपने टाइम फ्रेम्स को क्रॉस चेक करना होगा, आपको देखना होगा बाजार कैसा चल रहा है, हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को चेक कर दीजिए, ट्रेंड कैसे चल रहा है, ट्रेंड पकड़ लेते हैं तो फिर बाद में कुछ नहीं बचता। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है तो आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत अच्छी हो सकती है। गाइस उम्मीद करता हूं कि आप जो डरे हुए बैठे हैं शायद आपका डर थोड़ा निकलेगा, और बाजार गिरता है तो बाजार के गिरने के लेवल क्या है, अभी जब तक 556 के ऊपर चलता नहीं है हम
एक शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, मतलब शॉर्ट साइड नहीं, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम बाइंग में नहीं बैठे हुए हैं। जैसे 556 के ऊपर चलेगा ऑप्शन चेन में सिग्नल है, हम बाय करेंगे, ट्रेडिंग में आइए, एंजॉय कीजिए। और 17,424 का एक मेजर सपोर्ट है, जहां से पिछली बार टूटा था तो बड़ा तगड़ा ब्रेकडाउन आया था, इस बार फिर टूटेगा फिर तगड़ा ब्रेकडाउन आएगा, पर जब तक 17,424 इंटैक्ट है हम एंजॉय कर सकते हैं। दिस रैली कैन स्टिल गो टू 17,689 बट इट हैज टू क्रॉस 17,556। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइसेस। आई होप आपको मजा आया होगा। और एनालिसिस करना चाहते हैं मेरे साथ, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, खाली 220 रुपए में आपको मोटा मोटा लगते हैं। 6,666 का मंथली पैकेज है, वो चूज कीजिए, एक महीने मेरे साथ रह के देखिए। आई कैन प्रोमिस यू आई कैन रियली चेंज योर लाइफ। और सीखना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस आर अक्रॉस द कंट्रीज। अभी हम पुणे मिलने वाले हैं 13 अगस्त को, सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद में हम 27 अगस्त को मिलने वाले हैं बैंगलोर में, एंड देन 3 सितंबर वी आर मीटिंग एट सूरत। Bookings are open now. See you tomorrow. Bye-bye.